हाँ जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो भाई, आज ऑफिस में बैठे हुए थे, काम नहीं था, तो सोचा मूड करके अभी आज व्लॉग बनाया एक अच्छा सा, जिसमें अपने सभी भाइयों को या अपनी बहनें हैं या जो दुबई आने में इंटरेस्टेड हैं या जो काम करना चाहते हैं, आज एक अलग सी फील्ड लेके आए हैं। आप सोच रहे होंगे यार क्या हो सकता है ऐसा, है ना? तो कुछ लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम आपको बताएंगे क्लीनिंग लाइन में यहाँ पे कहाँ तक का स्कोप है और आगे इसका फ्यूचर स्कोप क्या है और कितने तक इनकम है दुबई में अगर हम एज अ क्लीनर आए, और उसके बाद अपनी जो है लाइक कौन सी स्टेजेस तक हम जा सकते हैं एज अ सुपरवाइजर, एज अ टीम लीडर। क्योंकि क्लीनिंग में भी सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि आपने सभी ने मेरे व्लॉग्स पिछले देखे हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी में होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर तक हम जा सकते हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर तक, मैनेजर तक पोस्ट होती है, ऐसे क्लीनिंग में भी होता है यहाँ पे। और हम आज आपको मिलवाएंगे इस ऐसे ऐसे शख्स से, तो जो है बंदा पाकिस्तान से, ये मेरे फ्रेंड है पाकिस्तान से, तो इनका नाम है शबीर अहमद। सुनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम तो सलाम जी। आज फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रहे हैं भाई पाकिस्तानी भाई का, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो? तो वालेकुम वही, सलाम। और सुनाओ पहले तो, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? सब बढ़िया चल रहा है। आप तो सुनाएं। बस ठीक ठाक। तो शबीर भाई को हम, मैं आपको पता है यहाँ पे 2-3 साल हो गए, तो तकरीबन इनकी अभी यहाँ पे पोस्टिंग चेंज हुई है, अभी अराउंड 1 महीना हुआ। तो शबीर भाई, पहले मैं आपसे पूछूंगा, 1 महीने पहले आपकी लोकेशन कौन सी थी? इस प्रोजेक्ट से पहले तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में था और ओके काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पे काम किया है। ओके। तो उसके बाद जस्ट पलमेर इधर आ कौन गया, सी पहले लोकेशन कहाँ पे थी यहाँ से साइड पहले? में पाम चुमेरा में, पाम जुमेरा में। अखीर सेल्स में। ओके, तो आप मुझे बताएंगे अभी आप कौन सी कंपनी में है? मैं रिसेंटली फार्निक में काम कर रहा हूँ, फार्निक कंपनी ये में, भाईजान सफाई फार्निक कंपनी कंपनी में काम में। कर रहे हैं यार। अभी भाई से ये तो पूछे ही नहीं कौन सी सिटी में, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं भाईजान आप, लाइक पाकिस्तान में कौन सी सिटी से या कौन से शहर से आप बिलोंग करते हो? मैं पंजाब से हूँ, पाकिस्तान, और पंजाब, पंजाब पाकिस्तान, में सिटी है अटक, अटक, अटक सिटी से मैं क्या बिलोंग बात करता है जी। हूँ। बिल्कुल, सुन और लो, पिशावर के पंजाबी हो साथ है, अपने अपने खास घर दे बंदे ये। बिल्कुल आप पिशावर के साथ है। अच्छा, पेशावर के साथ हाँ है? बिल्कुल, पिशावर के साथ है। पेशावर तो बहुत मशहूर है, इंडिया में भी काफी लोगों को पता है पेशावर का, पर अटक का बहुत कम लोगों को पता होगा। ये खास है पंजाबी भाई अपने या जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के भाई तो जानते ही होंगे अपने। तो भाई जो है हमारे वो पाकिस्तान के अटक सिटी से हैं, पंजाब में लगता है, ये पंजाब स्टेट है उसके अंदर है, अटक सिटी आता है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे मैं आया था यहाँ पे 2015 में। 2015 में आए थे यहाँ जी, 2015 में पे? आया था। मैं तो किसी सिलसिले में आया था, तो आगे जो है ना स्कोप नहीं था, तो किसी ने बोला भाई आप यहाँ काम करो, यहाँ पे आपको जॉब मिल रही है सॉफ्ट सर्विसेज की, तो यही कर लो। अच्छा, तो आप मुझे बताओगे मतलब कैसे आपका विचार बना यहाँ पे पाकिस्तान से, मतलब लाइक दुबई में आने का, और 2015 में? 2015 में जब हमने कॉलेज पास आउट किया था, तो उस वक्त हम सुन रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होना है एक्सपो 2020, अच्छा, तो सिलसिले में यहाँ पे बहुत ही नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाँ, और आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और तो बस वही सुन के आ गए, फिर ओके आगे आके ओके, अपने आप को एक्सप्लोर किया। वही जैसे मेरे लिए सिस्टम है ना। सेम तो मेरी तो अभी कहानी की बहुत सारे मेरे भाइयों को नहीं पता, मैं अपनी बताऊंगा बाद में, पहले आज भाई की सुनिए रहा। अच्छा, तो फिर यहाँ पे किस स्कोप से आए थे, मतलब कौन सा वीजा था उस टाइम आपका? हम तो विजिट वीजे पे आए विजिट थे। वीजे पे आए थे हम भाईजान? तो 63 आदमी आए थे, हम पूरा ग्रुप आए थे, अच्छा, पूरा एक ग्रुप आया था। ग्रुप आया था, कराची एयरपोर्ट से आए थे अच्छा, 11 जनवरी 2015 को, और 2015 में? 2015 को मुझे आदमी डेट याद है, डेट मैं ओके ठीक भूल गया हूँ कौन सा। तो है। 63 आए थे, और यहाँ पे थोड़े से जारी बात है नए थे, कोई था भी नहीं, फ्रेशर थे आप यहाँ बिल्कुल पे? फ्रेशर थे। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसने हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, ओके, तो फिर कुछ मेरे दोस्त उसी वक्त जो है ना कहते नहीं वापस जाएंगे यार, बाकी अब क्या है कुछ बहुत सारे नहीं, बंदे होते हैं बीच में ऐसे जो बहुत बंदे ज्यादा, मतलब तो कुछ डीमोटिवेट भी करते हैं और कुछ कहते हैं यार चलो वापस कुछ चलो, यहाँ पे तो, कुछ नहीं और रखा साथ हुआ। में कुछ अपने बहुत ऐसे भी है, बहुत लोग है यहाँ थे पे कि ऐसे। यार क्यों आ गए हो, ये है वो है। हाँ, लेकिन मैं जब आया तो मैंने बोला यार आप पाकिस्तानी, तकरीबन उस टाइम पे मैं लगा के आया था, अभी तो बहुत हालात वैसे नहीं, उस टाइम पे तो हालात सही थे, मतलब 1,50,000 तो 50,000-60,000 उस वक्त मैं लगा के आया था 2015 में।
अच्छा पाकिस्तान का, पाकिस्तान से। मैंने बोला इतना पैसा लगा कर आया, कुछ ना कुछ तो मतलब करके जाएंगे यार, या कुछ ना मतलब जुनून होता ना बंदे में। हाँ यार, मतलब कब तक हम पाकिस्तान में तो खैर काम कर रहे थे, तो फिर जॉब क्योंकि फ्रेशर थे कहीं मिल नहीं रही थी, तो एक कंपनी थी सेमी गवर्नमेंट कंपनी, ओके, तो उसमें हमें दिया अटेंडेंट के लिए, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, ओके, जो है ना मिल गए, तो हम उधर फिर शुरू हो गए। अच्छा, उधर से स्टार्ट किया, तो पहले तो सोचा कि यार जाएंगे वापस, फिर वहाँ पे एक हमारा हसन अब्दाल हमारे अटक में ही है, अच्छा, वहाँ के एक बंदा मिला, मैनेजर था जो, वही आपका लोकल, वहाँ पाकिस्तान के शहर का आपका लोकल का बंदा यहाँ पे मिला आपको। तो मैंने उससे अपने डिस्कस की ऐसा ऐसा मैं तो फंस गया, उसने बोला बेटा आप जिस फील्ड में आप आए हो अपने आप को इसी में आगे लेकर जाओ, इसी में खुद को प्रोग्रेस करो, सही है, सीखो, सही है जी। बार बार जॉब चेंज करने का कोई फायदा नहीं, आप एक काम करो इसी में सीखो, आप वो सीखो इंडस्ट्री है क्या है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हाउसकीपिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसका बहुत स्कोप है, हर जगह में स्कोप है, जब तक बिल्डिंग रहेगी हाउसकीपिंग रहेगी, ये तो है। तो फिर बस वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा अपने आप को तसल्ली दी, हम 63 से तकरीबन 19 लड़के ले गए थे डिफरेंट डिफरेंट, और 19 करते करते अभी मेरे साथ जो आए थे उनमें से दो लड़के इधर हैं, हम अलग अलग कंपनियों में, बाकी सब वापस चले गए। और अभी हमें उधर से मैसेज करते हैं कभी कभार, यार उस टाइम में अगर थोड़ा सा सबर कर लेते तो आज हम भी आपकी जगह में होते, ना बस क्या करें भाई, सबर तो करना पड़ा, ये तो है। अच्छा भाई से एक बात बड़ी बहुत जबरदस्त बात सीखने को मिली है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भाई ने यहाँ पे आए, बहुत सारे बंदे डीमोटिवेट करते हैं, उसके बाद भाई ने बोला नहीं यार यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ, जैसे भाई के लोकल बंदे ने बोला भाई को, तो भाई ये रियलिटी है यहाँ पे, अगर आप फील्ड छोटी या बड़ी मत आप देखो, भाई भी क्लीनिंग लाइन में आए थे एज अ क्लीनर अटेंडेंट, आप भाई ने काम किया है ना, तो भाई ने ये नहीं देखा कि यार मैंने वापस जाना है कुछ भी है, ठीक है, भाई ने मेहनत नहीं छोड़ी, उसी लाइन में आगे बढ़ते रहे, और आज के टाइम में आज के दौर में भाई सुपरवाइजर है, क्लीनिंग सुपरवाइजर, वो छोटा मोटा मत समझियो भाई, ठीक है ना, एडमिन से भी बड़े होते हैं इनके अपने फील्ड में ठीक है। अच्छा तो अच्छा फिर क्या हुआ? फिर तो 6 महीने साथ उधर ही रहा। अच्छा, ये वहाँ पे प्रमोशन मिल गई, वहाँ पे लीडर बन गया मैं। टीम लीडर बनने के बाद फिर मुझे जो है ना इस कंपनी में एक ऑफर आई। ओके, फार्नेक कंपनी में है भाई, अभी फार्नेक कंपनी में काम कर रहे हैं एज एन सुपरवाइजर। अच्छा जी, तो डायरेक्टर को मैंने अपनी सीवी सेंड की थी ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो डायरेक्टर उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। ये कौन से ईयर की बात है ये? दो साल के स्ट्रगल के बाद फिर उन्होंने मेरा जो है ना सैलरी इंक्रीज कर दी, रिवाइज कर दी। अच्छा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, फिर उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर उन्होंने इंक्रीज कर दी। तो मतलब ये कि जो ये इस टाइम पे दुबई में स्पेशल, मैं दुबई में मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें अगर आपके पास मतलब कि इसमें सुपरवाइजर से आप मतलब नीचे से स्टार्ट करते हो, सुपरवाइजर पे आते हो, तो बहुत स्कोप है, आप आप जनरल मैनेजर बन सकते हो। अच्छा, मतलब इस लाइन में भी स्कोप है, जो बंदा क्लीनिंग लाइन में आना चाहता है, फिर ये थोड़ा हार्ड वर्क जरूर है, पर लेकिन जाहिर है वो हर लाइन में है। अभी मेरे घर वाले पाकिस्तानी 2 लाख रुपए हर महीने ले रहे हैं, लेकिन पहले तो नहीं ले सकते ना यार, वो तो है, 25,000 मिला, अभी 2-2.5 लाख रुपए उनको मिल रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसके पीछे 8 साल की स्ट्रगल भी है। या ये तो हम समझते हैं कि यार उधर जाएंगे जाते ही पाकिस्तानी लाख, तो ऐसे नहीं होता, इसलिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल मस्ट है, 50% स्ट्रगल है और फिर आपकी लाख भी है थोड़ी बहुत। मतलब भाई के कहने का मतलब है भाई ने 2017 में अपनी कंपनी चेंज की है ना यार, क्यों करो बस, तो भरावा रहने देते, सब कुछ सही है खर्च हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, 2 मिनट यार बंदा क्लीनिंग कर रहा है ना, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वीडियो नहीं क्रॉप करनी आप, सारा कुछ कंटिन्यू चाहिए तो बंदा यार मेहनत कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही आए थे भाई। हाँ, तो भाई भी सेम ऐसे ही आए थे, जैसे अभी एक बंदा क्लीनिंग कर रहा है, आपने देखा होगा कि मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो जो है
वो होल्ड पे लगा दी, पंजाबी बोलने लग गया यार, जो अपनी मातृभाषा है ना। तो भाई भी ऐसे काम पे आए थे यहाँ पे 2015 में, 2017 में भाई ने जॉब चेंज की, अभी 2022 चल रहा है। तो जो बीच वाले 5 साल है धीरे धीरे भाई ने अपग्रेड किया खुद को, ठीक है, तो विद हार्डवर्क, वही हार्डवर्क के बगैर कुछ नहीं हुआ। दो चीज़ें हैं, स्किल्ड लेके आओ और कुछ ना कुछ सोच के आओ कि मैंने ये बनना है, अगर और ये ना सोचो तीसरा कि ये लाइन ही चूज़ करनी है, ये लाइन ही चूज़ करनी है। अगर आप ये सोचोगे जिंदगी गुजर जाएगी, हाथ मलते रह जाओगे, सच्चाई बता रहा हूँ, एक रियलिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आज के टाइम में सुपरवाइजर है। अच्छा मैं आपसे अभी आपके सामने जो दिन अप्लाई किया था उसको उधर से भी ऑफर आई हुई है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। वो मैं बाद में बात करूंगा आपसे, सामने की बात है, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले इसके बारे में, वो गुड न्यूज है भाई, वो भी आपको बताएंगे। तो अच्छा, तो उसके बाद अभी एक चीज मुझे बताना, यहाँ पे अगर एज अ, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं, अगर एज अ विजिट वीजा पे यहाँ पे आए तो जॉब मिल जाएगी क्लीनर की? क्लीनर ऑफिस भाई की जॉब तो बहुत है, बहुत है, ओके। लेकिन माइंड में ये रखना है यार, मैंने कुछ बनना है, ओके, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगा। सही है, मुझे जो अगर मुझे कोई ऊपर से भी गुजर जाए तो मैं बोलूंगा मैंने अपना गोल रखना है। वो क्या होगा, एक 2 साल आप जब पिस जाओगे उसके बाद 2 साल के बाद आपके घर वाले स्कूल में रहेंगे, घर वाले स्कूल में रहोगे, आपका रिदम बन जाएगा, आपका रिदम बन जाएगा, है ना, रिदम ऐसा बन जाएगा कि आप घर वाले स्कूल में रहेंगे, मतलब आपको। फिर अब मेरे साथ कई ऐसे मतलब जो उस कंपनी में काम कर रहे थे अभी भी वो लेबर के लेबर ही है, आपको यहाँ से पकड़ के नहीं बोलेगा, ये तो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। सही है, मैं काम कर रहा हूँ उसका प्रॉपर प्रोसीजर कैसा कुछ, उसके बाद ही आप अपने आप को डेवलप करवाओगे। एक चीज बताना, यहाँ पे मतलब एक बेसिक जो क्लीनर है उसकी सैलरी कितनी है, कंपनी उसको कितनी सैलरी देती है? कंपनी अभी तो इंडिया के 20,000 है, और पाकिस्तान क्योंकि महंगाई है, पाकिस्तान का करंट रेट के हिसाब से 56 है, तो 60,000 पाकिस्तानी, 60,000 ओके, और इंडिया का 20,000, पाकिस्तान का 60,000 है, अभी इंडिया का भी रेट बढ़ गया 20 से 21 रुपए हो गया, 20 से 21,000 है रेट अभी यहाँ का। अगर एज आप क्लीनर आते हो तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों आप भी सुन लो, 56,000 लगा के चलो, 50,000 ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर एज अ क्लीनर आते हो आप तो। अच्छा एक और चीज है, खर्चा इसमें क्या जो फूड मिलता है वो इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है, मतलब अलग से खुद खाना बनाना पड़ता है? नहीं वो या कैसा, वो ऑप्शनल है ना, वो ऑप्शनल है, मतलब सेम लाइक एज अ सिक्योरिटी, हाँ वो ऑप्शनल, okay. ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन वो आपके उस 1,000 के अंदर ही, मतलब उसके अंदर ही होगा, उसके अंदर ही उसके अंदर ही है वो, फिर आप डिपेंड करता है 5 स्टार में खाओ। अच्छा आप अपने हिसाब से खाओ। अच्छा इसके कितने घंटे की ड्यूटी होती है क्लीनिंग की? घंटी एक है, ये तो डिफरेंट कंपनीज पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन चल रही है 11 आवर्स है, 11 आवर्स की ड्यूटी, 9 आवर्स आपकी ड्यूटी होती है, और उसके प्लस 2 आवर्स आपका ओवरटाइम होता है, फिक्स होता है। अच्छा फिक्स्ड ओवरटाइम होता है। अच्छा और उसके बाद आपकी 1 घंटे की ब्रेक होती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे काम आपको पता है दुबई में 11 घंटे नाम ही होता है काम, 3-4-5 घंटे काम होता है, वो तो है ही है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं होता, बस यही अभी बंदा कई बार शर्म कर जाता है यार ये काम नहीं करना ऐसा है, लेकिन पाबंदी है, स्टिकनेस भाई कोई भी लाइन है स्टिकनेस है, ठीक है ना, ये मत सोचना कि सिक्योरिटी गार्ड में मजे हैं, सिक्योरिटी गार्ड में स्टिकनेस है, बाकी और लाइन में नहीं है, सभी लाइन में, ठीक है ना, सभी लाइन में, बस आगे नहीं बोलना मैंने कुछ, ठीक है ना, रूल्स और रेगुलेशन, ये वाली लाइन ठीक है, ये हम जुमला लगा सकते हैं, रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, बस ये अभी काम करते रहो अपना, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज यहाँ पे जैसे भाई ने बताया 1,000 सैलरी है 11 घंटे के हिसाब से, पर हर बंदा यहाँ पे 12 घंटे से कोई काम कम नहीं करता, ठीक है, उसका ओवर टाइम वगैरह लग जाता है 1,100 बन जाता है एवरेजली एज पर माय एक्सपीरियंस। तो जैसे मैं भाई से पहले भी बात कर रहा था, अराउंड हम 700 से 800 घर भेज सकते हैं इजिली, है ना, 700 से 800, और टिप इसमें भी बन जाती है, पर टिप के सहारे मत आना भाई, अकोमोडेशन आपका नहीं होता, कंपनी देती है, इंश्योरेंस आपकी होती है, तो आप वो फ्री हो, सिर्फ आना जाना सारा कंपनी का है, तो हाँ ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन वगैरह कंपनी की होती है, खाने पीने का वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं आग ऊपर ना बिजली गैस पानी के बिल, कुछ चीज नहीं, तो मतलब ये अभी अगर पाकिस्तानी मेरे भाई हैं तो
वो अराउंड 30 से 35 हजार घर भेज सकते हैं, 35 से 40 हजार। हाँ, 35 से 40 हजार भाई कह रहे हैं, हम तब भी 30 से 35 लगा के चलें। और जो अपने इंडिया के जो मेरे भाई हैं तो वो आराम से अराउंड 15,000 या 12,000 आप आराम से भेज सकते हो। और ये नहीं है यहाँ पे मत रहना, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप अपग्रेड करोगे खुद को, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, मैन पावर को संभालना शुरू करोगे, तो आप भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ये मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ यार जिस बंदे के पास स्किल्ड नहीं है, ठीक है। मैं जैसे बोलता हूँ ना, आप खुद स्किल्ड जरूर लेके आया करो, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, कहीं में भी, वेस्ट बंगाल में रहते हो, कुछ भी है, व्हाटएवर, कोई भी कंट्री में स्किल्ड लेके आओ। नहीं तो घर बैठे आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको और ना आपकी फैमिली को, रोटी तो मिल ही जानी है, सिंपल है, ठीक है। मैं बताता हूँ सच्चाई की बातें, ठीक है, प्यार प्यार में हम बोल जाते हैं सीधी बात है, जो रियलिटी है, ठीक है ना। स्किल्ड लेके आओ, इफ यू डू नॉट हैव एनी स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है, आपके पास क्लीनिंग की भी ऑप्शन है, पर उसमें भी भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो किसी ने निवाला आपके मुंह में नहीं डालना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपके मुंह में निवाला आएगा, ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। उसके बाद ये मुझे बताओ कि लाइक एज ए क्लीनर के बाद कौन सी आप उसके ऊपर, जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बाद सिक्योरिटी गार्ड के पास बाद एक ऑप्शन आ जाता है, एडमिन का हो गया, टीम लीडर का हो गया, या सीसीटीवी ऑपरेटर का होता है, तो इसके बाद कौन सा मतलब आगे लेवल आ जाता है? मतलब सबसे पहले तो अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको एक्सेल पे काम आता है, आउटलुक पे काम आता है, मेल कम्युनिकेशन है, लाइक कोई स्किल्ड है, कोई भी स्किल्ड है, आप लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, क्लाइंट से बात कर सकते हो, तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट स्टेप आपका हाउस कीपिंग के बाद डायरेक्ट टीम लीडर है, टीम लीडर हो गया, आप टीम को लीड करोगे, फिर सुपरवाइजर है, उसके बाद फिर एडमिन, तो फिर हट जाता है ना, फिर हम तो एडमिन से बहुत आगे गुजर जाते हैं। हां वो तो है, ये इसमें जो एडमिन का जाता है, एडमिन का एक लिमिट तक, एडमिन वो लाइन डिफरेंट होगी ना, वो लाइन डिफरेंट हो जाएगी, एडमिन हमारे स्टाफ में आ जाता है, हां वो हमारे अंडर में आ जाता है, इसमें ऐसा ही होता है, यहां पे ऐसा नहीं होता है। फिर आप प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हो गए, फिर सीनियर सुपरवाइजर, हां हां, उसके बाद आपके सामने कहा है मुझे या। उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर। तो अच्छा, इसमें आप बताओगे इसका जो टीम लीडर होता है, जो आपने अभी बताया कि क्लीनिंग के बाद उसकी सैलरी कितनी होती है? 1500। उसकी 1500 तक होती है, 90,000 पाकिस्तानी और 30,000 लगा लें आप, 30,000 हो गया, मतलब लाइक उसकी जो, इसके बाद क्लीनर के बाद अगर वो बंदा मेहनत करता है या कंपनी को कुछ करके दिखाता है भाई, ठीक है ना, उसके बाद उसकी सैलरी भी अपडेट हो जाती है और उसकी पोजीशन भी अपडेट हो जाती है, लाइक अपग्रेड होके वो एक टीम लीडर बन जाएगा, उसकी जो सैलरी होगी वो 30,000 होगा, 30 से 35,000 होगा इंडिया का, और पाकिस्तान जो मेरे भाई रहते हैं उसका 90,000, लाइक 90,000 सैलरी हो जाएगी उसकी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बंदा मेहनत करेगा आगे सुपरवाइजर लाइन है, जो भाई मेरे साथ में बैठे हैं ये एज अ सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर में, अच्छा यार अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं पूछ लेता हूँ अभी, तो सुपरवाइजर में एज अ सैलरी कितनी है? सुपरवाइजर की सैलरी स्टार्ट होती है धर्म के हिसाब से, अगर काउंट करें तो 1800 से, अच्छा, और कुछ टीम लीडर भी 1800 ले रहे हैं या 2000 से, ओके, फिर जैसे आप इंटरव्यू क्वालिफाई करो, ओके, जैसे आप इंटरव्यूअर को फेस करोगे उस हिसाब से आपका सैलरी, लाइक अगर हम कह सकते हैं उसी कंपनी में कितनी हो सकती है, 2500-3000 तक है सैलरी, हम 2500 लगा सकते हैं, 2500 भी है, और कितने आवर्स ड्यूटी होती है सुपरवाइजर की? सेम है, 12 आवर ड्यूटी होती है, 11 आवर, अच्छा, सुपरवाइजर तो मतलब अब जैसे मैं हूँ इधर गया फिर दूसरी साइड है, हम सुपरवाइजर तो फिर अब वो ये भगा दौड़ी चलती रहती है ना, ये अभी काम कोई नहीं है, एक व्हाइट कॉलर जॉब हो जाती है, है ना। तो भाई के कहने का जैसे मतलब मैंने आपको अभी, आपने सुन ली होगी मेरी बातें, हमारी बातें सुन ली होगी, मतलब 2500 तक सैलरी होती है, ज्यादा भी होती है, ठीक है, कम भी हो सकती है, 2200 तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी पे, डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पे, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई मेरे ऐसे भाई हैं जो 3500 भी ले रहे हैं, ठीक है ना, ये भी सच्चाई है। और उसके बाद अगर हम सुपरवाइजरी लाइन, अच्छा एक चीज यार मैं पूछना चाहूंगा, इसमें कोई लाइसेंस तो नहीं ना लेना पड़ता? लाइसेंस तो अगर आप ले रहे हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है यार, लाइसेंस नेसेसरी ही नहीं है, सीधा सुपर की टेंशन नहीं है कि आप ले लो ही लो, अच्छा, लेकिन अगर ले लें तो आपका प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट है, तो इतना कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी, मैंडेटरी नहीं है, ये सुपरवाइजर है और ये सीनियर सुपरवाइजर है। तो अच्छा इसमें सीनियर सुपरवाइजर की क्या सैलरी होती है? सीनियर सुपरवाइजर को 4000 4500 4000
सुपरवाइजर के बाद एक और पोजीशन होती है सीनियर सुपरवाइजर, इसमें जो सैलरी होती है 4,000 होती है। तो भाई ने जैसे बताया ये सीनियर सुपरवाइजर हैं, इनके अंडर सुपरवाइजर आते हैं, एडमिन आते हैं और क्लीनर्स आते हैं, और मेरे ख्याल 4 से 5 लोकेशन होंगी आपकी जी। और 4 से 5 लोकेशन है वो, तो चलो मेरे साथ रहते हैं मुझे पता है इतना इनका, 4 से 5 लोकेशनें होती हैं। अगर इनके अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो फिर कोई फ़ायदा वगैरह मिलता है आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर ये कि कंपनी आपको गाड़ी दे देगी, कंपनी गाड़ी भी प्रोवाइड करेगी है ना। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप कंपनी के रेमो करो कब गाड़ी आएगी, कब डिटेल साइड पे जाओगे। हाँ या फिर थोड़ा सा बंदा डिपेंडेंट रह जाता है ना। अगर भाई मेरे अगर आपके पास लाइसेंस है यहाँ पे आगे काम करना पड़ते हो, तो अगर लाइसेंस है तो कंपनी आपको गाड़ी भी प्रोवाइड करेगी यार, सबसे बड़ा पॉइंट है यार, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये सिक्योरिटी में भी है पर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, उसमें सारा बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है भी, गाड़ी भी आपको प्रोवाइड करती है, आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे बंदे को चेक कर सकते हो। और रिस्पेक्टेबल जॉब है, सीनियर लेवल पे टीम लीडर, सीनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल पे आके ये वाइट कॉलर जॉब हो जाती है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सैलरी भी इन्होंने आपको बता दिया, सीनियर सुपरवाइजर तक पहुँच से बंदा 4,000 के आसपास, 4,000 के आसपास, मतलब 2 लाख, 2 से 2.5 लाख बंदा करीब पाकिस्तानी कमा सकता है। और इंडिया के तो क्या कहने, 90,000 तक, अराउंड 1 लाख लगा के चलो आप इजिली अर्न कर सकते हो यार। लाइसेंस ले लो तब लाइसेंस लो। और सबसे बड़ी बात क्या है, सुपरवाइजर का यार लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी का सिरा लेना पड़ता है, यहाँ का मैंडेटरी नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद कोई मतलब उससे ऊपर कौन सी पोजीशन होती है? तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत मायने रखते हैं भाई, अगर आपके पास नहीं है आप आओ विजिट वीजा पे आओ, ठीक है। तो क्या भाई साहब, मतलब भाई मेरे आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे किसी को विजिट बेस पे आने के लिए? मैं तो सबको करूंगा कि आना चाहिए विजिट बेस पे, हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, हम सबको निकलना चाहिए भाई, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि बाहर भी दुनिया है यार, बाहर प्यार मोहब्बत जितना मिलता है उतना अपने देश में तो नहीं मिल सकता। अच्छा, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, ये अपने इंडिया में या अपने पाकिस्तान में ये चीजें चलती हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, भाई यहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं और एक प्लेट में खाया अभी थोड़ी देर पहले, अभी बिरयानी खाई है अभी बिरयानी खाई है और पूरा प्यार है। और अभी इनके सामने, अभी मैंने पाकिस्तान में 3-4 बंदों को, अपने भाइयों को फोन किया था जिनके साथ पूरा प्यार है, हुंजला साहब है, ठीक है ना, और दो चार बंदे ऐसे ही है ना, असगर भाई है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके साथ अपना पूरा प्यार है। और हमारी, हम जब इंडिया पाकिस्तान की बात चलती है ना, ये अपने प्यार ही बहुत ज्यादा है, आपको तो पता ही है, तो हमें हासा आता है, मतलब आपस में बात करते हैं क्या हो रहा है यार, यहाँ पे आके देखो क्या है, जैसे सच्चाई बता रहा हूँ। मैं 3 महीने एज एन जब सीसीटीवी ऑपरेटर था पिछले साल, तो मैं जो अपने पाकिस्तान के पंजाबी भाई हैं उनके साथ मैं रूम शेयर करता था और वहाँ पे रहा हूँ, कभी फील ही नहीं होने दिया उन्होंने। और मैंने खुद रोजे रखे थे उनके साथ, देख लो 14 दिन, और उन्होंने खुद माथा टेका था जब नवरात्रे आए थे ना हिंदू के, तो उन्होंने भी माथा टेका था, देख लो मायने रखता है यार, ये होता प्यार, कुछ भी नहीं है, सेम मेंटेलिटी, सेम सब कुछ यार, एक ही खून है, इतना मतलब इतनी खुशी होती है ना यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आप यहाँ पे आओगे ना आपको खुद पता लग जाएगा। और भाई ने जैसे अभी आपको बोला ना विजिट वीजे पे आओ, और वाकई ये मैंने अब रियलाइज किया, विजिट वीजे पे आप आओ कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आप इसलिए भी तैयार रहना कि आपको क्लीनिंग करनी पड़नी है, जॉब क्लीनिंग की, तो ये नहीं है कि काम छोटा है या बड़ा है, रिस्पेक्ट इसमें भी है, तो कुछ बोलेगा नहीं, रिस्पेक्ट इसमें भी है, पर जो बंदे सोचते हैं ना ज्यादा उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, भाई आपको ये भी जॉब करनी पड़ सकती है। अच्छा भैया, मैं इस चीज में भाई मेरे, मैं ये चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रोविजन पीरियड 6 महीने का ही होता है, छह महीने का ही होता है ना, यहाँ पे भी हाँ 6 महीने का प्रोविजन पीरियड है। आपको जॉब नहीं मिल रही सिक्योरिटी की, आप कोई और नहीं काम कर पा रहे, आप क्लीनिंग में आ जाओ, 6 महीने काम करो, रिजाइन दो, अच्छी जॉब मिल गई, खलास, टेंशन फ्री, और क्या चाहिए। अगर आपको लग रहा है 6 महीने में मैं कुछ ऐसा कवर के कंपनी को दिखा सकता हूँ आगे, मुझे एडमिन में कोई भी है कोई सेक्शन में चेंज कर सकते हैं मेरे को, या आप अपनी कंट्री से कोई अच्छा स्किल्ड लेके आयो है ना, आप यहाँ पे उसको ट्रांसफर करके प्रोजेक्ट, डायरेक्ट प्रोजेक्ट इंचार्ज तक जा सकते हो, डायरेक्ट सुपरवाइजर
सुपरवाइजर तक जा सकते हैं या बीच में एक्सपीरियंस हो जाए जरूरत होगी ना? 6 महीने तो बहुत कम एक्सपीरियंस है ना, सुपरवाइजर तो जा सकता है, सुपरवाइजर तक बंदा जा सकता है ना, तो और क्या चाहिए यार, ठीक है ना। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स होने जरूरी है, नहीं है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। आप मेरी पहली वीडियो उठा लेना, आपकी वीडियो उठा लेना, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मेरे को कैमरे के सामने आप फोटो खिंचवाने में भी डर लगता था, सच्चाई बता रहा हूँ, भाई भाई के साथ बैठ के ऐसे भाई की इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप मतलब कोई जाने से पहले कोई बेस्ट सजेशन देना चाहेंगे, मतलब कोई अपने भाइयों को, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, या बाकी सारी नेपाल श्रीलंका? मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप उधर तो अच्छी जॉब है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आ जाएं इधर, सर्च करें, बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ इधर आपके लिए वेट कर रही हैं, आपकी डेजिग्नेटेड जो है ना जॉब इधर वेट कर रही है, आप आएँ और करें, और उसमें जो है ना फिर आपने स्टॉप नहीं करना अपने आप को, उसमें और सीखें ताकि और ऊपर जाना है तो और सीखना पड़ेगा। सही बात है, आपके लिए मैसेज, सही बात है जी, भाई ने जैसे आपको बताया, तो मैं अभी तक तो होप करता हूँ कि आप सभी को कुछ ना कुछ वो पल्ले पड़ा होगा, समझ जरूर आई होगी आपको। तो बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, तो कोशिश करा करो। और यार मेरे से ना कोई एजेंट का नंबर ना यार कोई मांगा करो यार, मेरे से एजेंट का नंबर मांगते हैं, मैं कौन सा यार जेब में लेके घूमता हूँ एजेंट को, ठीक है ना। तो ना मेरा किसी के साथ कोई लिंक है, जिस दिन लिंक होगा या जिस दिन मैं इंडिया आया तो आपको एजेंट का नंबर क्या पूरी उसका ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ देके जाऊंगा, आप खुद बात कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे रिस्क नहीं उठाता, देखो 2-3 साल पहले वो क्या था, आज वो क्या है, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क यार, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई मेरे, ठीक है। ऐसा काम मत करा करो जिसके मेरे को भी यार मैसेज करते हुए शर्म आए, ठीक है ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि मैं ऐसे मैसेज का आपको जवाब नहीं दे पाता। सो मैं होप करता हूँ कि आप लोग समझ ही होंगे। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, और उन्होंने मतलब आपको इतने अच्छे अच्छे सजेशन दिए, सो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू इतना कीमती वक्त निकालने के लिए, बिकॉज सुपरवाइजरों के पास यार टाइम टूम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, अभी पहले बिरयानी खाई है फिर मुश्किल से, ठीक है ना। और अच्छा गुड न्यूज़ रहेगी भाई, गुड न्यूज़ यही है, कौन सी कंपनी वो? इमदाद, इमदाद कंपनी में भाई की सीनियर सुपरवाइजर में जॉब लगी है, सैलरी माशाल्लाह, ठीक है ना, बढ़िया है, अभी जॉब लगी है भाई की, उस दिन मैंने ही रिज्यूम सेट किया, एडमिन काम आते हैं यार एडमिन आते हैं काम, मैं बता रहा हूँ मैंने रिज्यूम बनाया, भाई ने पहले किसी से रिज्यूम की थोड़ी अपडेशन होने वाली थी तो उसको थोड़ा अपग्रेड किया, रिज्यूम दिया, लगी जॉब। यार करने वाले हम नहीं है, करने वाला खुदा है, करने वाला अल्लाह है, करने वाली माता रानी है, करने वाले परमात्मा है, ठीक है। हमारा क्या होता है कि मोरा बनते हैं हम जस्ट लाइक, हाँ ठीक है, जितना हमारे हाथ में होता है हम करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। और अगर थोड़ी बहुत मेरी मेहनत करने से, टाइम निकालने से अगर भाई की जॉब लग गई यार, बहुत अच्छी बात है, मेरे को इतनी खुशी हुई थी ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसी वजह से भाई ने आज पार्टी किया। और ऐसे भाई हर साल या हर महीने या हर दिन पार्टी देते रहें और हम ऐसे खाते पीते रहें और चढ़ती कला में रहें। सो थैंक यू सो मच सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, और वीडियो को कर दो लाइक, और यार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और मैं दिख कैसा रहा हूँ, ठीक है, और भाई भी दिख कैसे रहे हैं, ठीक है जी। नाउ थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।